मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म छपाक की प्रमोशन के लिए दिल्ली आई थी। इसी दौरान देर शाम जेएनयू पहुंची दीपिका पादुकोण हिंसा से पीड़ित छात्रों से मिलने के लिए, जिसके बाद उनकी मूवी को लेकर बायकॉट छपाक के नाम पर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। दरअसल ये ट्रेंडिंग इस बात की थी कि जो 2005 में खान मार्केट में घटना घटी थी, लक्ष्मी अग्रवाल नाम की लड़की के साथ जो नदीम खान था उसने तेजाब फेंक कर लक्ष्मी अग्रवाल को घायल कर दिया था, वो खान मार्केट ही था जहां पर लक्ष्मी अग्रवाल पर नदीम खान ने तेजाब फेंका था। लेकिन फिल्म में नदीम खान का नाम चेंज करके राजेश कर दिया गया, ऐसा कहना था सोशल मीडिया यूजर्स का जो ये छपाक मूवी का विरोध कर रहे थे सोशल मीडिया पर। लेकिन हकीकत में क्या है इसी को जानने के लिए हम इस वक्त खान मार्केट में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये खान मार्केट है। 2005 में खान मार्केट में ही लक्ष्मी अग्रवाल नामक लड़की के ऊपर नदीम खान ने तेजाब फेंका था, जिस पर ये सच्ची घटना पर आधारित दीपिका पादुकोण ने छपाक मूवी बनाई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मंगलवार को जेएनयू कैंपस पहुंची थी। वहां उन्होंने पीड़ित छात्रों के प्रति सहानुभूति जताई और उनके साथ खड़ी नजर आई। दीपिका अपनी फिल्म छपाक के प्रमोशन के लिए दिल्ली आई थी। वो प्रमोशनल इवेंट्स के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहुंची थी। जवाहरलाल में बहरहाल दीपिका के ऐसा करते हुए बुधवार सुबह से ही ट्विटर पर छपाक और बायकॉट छपाक ट्रेंड करने लगा। दिन चढ़ा तो दो नाम भी ट्रेंड में आ गए। ये नाम थे राजेश और नदीम खान। लक्ष्मी पर एसिड अटैक का आरोपी है नदीम खान। दीपिका पादुकोण और उनकी फिल्म छपाक को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। बता दें कि यह फिल्म एसिड अटैक साइबर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर आधारित है। लक्ष्मी अग्रवाल पर साल 2005 में एसिड अटैक हुआ था। लक्ष्मी अग्रवाल की उम्र तब 15 साल थी। नदीम खान और तीन अन्य ने कथित तौर पर दिल्ली के खान मार्केट में उन पर तेजाब फेंका था। किरदार का नाम और धर्म पर आपत्ति। फिल्म छपाक लक्ष्मी पर हुई इसी अटैक की कहानी पर आधारित है। सोशल मीडिया पर बहुत से यूजर दावा किया कि फिल्म मेकर्स ने कहानी तो असल जीवन की ली है, लेकिन फिल्म में पात्रों के नाम के साथ धर्म को भी जानबूझकर बदल दिया है। उनके मुताबिक लक्ष्मी पर एसिड फेंकने वाले आरोपी का नाम असल जिंदगी में नदीम खान है, जिसे फिल्म में राजेश कर दिया गया है। लोग इसके लिए स्वराज नामक मैगजीन के एक लेख का हवाला दे रहे हैं, जिसका शीर्षक है द वे ऑफ बॉलीवुड इन दीपिका पादुकोण स्टेट छपाक एसिड अटैक नदीम खान बिकॉम्स राजेश। फिल्म में बसीर है हमलावर, राजेश तो दोस्त है। हालांकि न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक फिल्म लक्ष्मी के जीवन पर आधारित है, लिहाजा उसकी कहानी वही है, लेकिन पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। फिल्म में लक्ष्मी को मालती नाम दिया गया है, जबकि नदीम को बसीर खान उर्फ बब्बू। फिल्म में मालती के दोस्त के किरदार का नाम राजेश है। न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि मेघना गुलजार की फिल्म छपाक में नदीम खान नईम खान या ऐसे ही किसी किरदार का है का कोई जिक्र नहीं है। वैसे सोशल मीडिया में पात्रों के नाम और उनके धर्म को लेकर शुरू हुए विवाद में कई राजनेता भी कूद गए। केंद्रीय राज्य मंत्री और आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा, जब आप कहते हैं कि सभी चरित्र काल्पनिक है और जीवित प्राणियों और ऐसे किसी से भी इसकी कोई समानता नहीं है, तो यह पूरी तरह पाखंड है। जब आप नाम बदलते हैं तो और उसके साथ धर्म भी बदल जाता है, यह तो जानबूझकर किया गया है। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिदरी ने फिल्म का बहिष्कार करने की बात कही है। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।